हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सिक्स भक्ति सूफी ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा हु एमोंग देम आइडेंटिफाइड एज द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ उड़ीसा बाई द ट्वेल्थ सेंचुरी ऑप्शन ए शिवा बी जगन्नाथ सी बुद्धा एंड डी नन ऑफ देम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ क्वेश्चन नंबर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेर डिटीज ऑफ शिवा ऑप्शन ए नयनार्स बी अलवार्स सी बोथ एंड बी एंडीनन ऑफ दम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नयनार्स क्वेश्चन नंबर थर्ड हु टू विष्णु ऑप्शन ए नयन आर्स बी अलवार्स सी बोथ एंड बी एंडीन ऑफ दम तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलवार्स तो जो डि डिवोटीज थे शिवा के वो नयनार्स थे एंड जो डिवोटीज थे विष्णु के वो क्या कहलाते थे अलवर्स कहलाते थे क्वेश्चन नंबर फोर अ वेमेन कराइकल अमायार वॉज अ डिवोटी ऑफ ऑप्शन है विष्णु बी शिवा सी बोथ है एंड बी एंड नन ऑफ देम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवा ये जो नेम है कराइकल अमायर ये एक वेमेन का नाम है तो ये डिवोटी थी शिवा की ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा Which of the following Shiva temples were constructed under the patronage of Chola rulers? Option A. Chidambaram, B. Thanjavur, C. Gangai Konda, Cholapuram, and D. All of the above. So, the answer will option number D. All of the above. Question number six. The Chola ruler had consecrated metal images of Apar, Sambandar and. सुंदरर इन द शिव टेम्पल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रांत का फर्स्ट बी राजेंद्र फर्स्ट सी आदित्य फर्स्ट एंड डी नन ऑफ देम तो इसका आंसर क्या होगा कौन सा चोला रूलर है जिसने मेटल के इमेजेस लगवाए हैं टेम्पल में शिव टेम्पल में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रांत का फर्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है हमारा तो क्वेश्चन नंबर सेवन है अब्राह्मन नेम्ड बसावना वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ ऑप्शन ए मंगोल रूलर बी कालाचुरी रूलर सी बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ दब तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालाचुरी रूलर क्वेश्चन नंबर एट द फॉलोअर्स ऑफ बसावना वे नोन एज ऑप्शन ए विराशावास बी लिंगायत सीन बोथ ए एंड बी एंड इन ऑफ देम तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर नाइन दिल्ली सल्तनत वाज इस्टेब्लिश्ड इन ऑप्शन ए इलेवेंथ सेंचुरी बी ट्वेल्थ सेंचुरी सी थर्टीन सेंचुरी एंड डी फोर्टीन सेंचुरी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थर्टीन सेंचुरी क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा हुआ एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत ऑप्शन ए तुर्क बी अफगान सी बोथ एंड बी एंड एंडीन ऑफ देम तो इसका आंसर मैंने पहले ही टिक लगाया है इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ एंड बी ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन हुए मॉन्ग देम कॉन्ड सिंध इन सेवन हंड्रेड इलेवन ऑप्शन ए मोहम्मद कासिम बी मोहम्मद बिन तुगलक सी सुल्तान महमूद एंड एंडीन ऑफ देम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद कासिम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मुगल एम्पायर वॉज इस्टैब्लिश्ड इन द ऑप्शन ए थर्टीन सेंचुरी बी फोर्टी सेंचुरी सी फिफ्टीन सेंचुरी एंड डी सिक्सटीन सेंचुरी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्सटींथ सेंचुरी क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु पेड टैक्स कॉल्ड जुजिया एंड गेंड द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स ऑप्शन ए ज्यूज बी क्रिश्चियंस सी बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ देम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी और इसके ऑप्शन में हम ये भी लिख सकते हैं कि और ज्यूज एंड क्रिश्चियन जो कि मुस्लिम्स नहीं थे नन मुस्लिम्स थे तो यहाँ पे ऑप्शन में नन मुस्लिम्स भी दिया हुआ रह सकता है तो आंसर उसका क्या होगा उस टाइम में नन मुस्लिम्स होगा ठीक है आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये तो पेज निकल चुका है हमारा लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारा है पीपल फ्रॉम तजिकिस्तान वेर नोन एज ऑप्शन ए तुरुष का बी ताजिका सी पारशिका एंड डी ऑल ऑफ तो इसका आंसर क्या होगा तज़किस्तान के रहने वाले जो पीपल थे वो क्या कहलाते हैं बी ताजिका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द वर्ड सिलसिला लिटरली मीन्स ऑप्शन ए चैन बी ऑडिशन सी नॉलेज एंड डी डिवोशन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चैन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन Muslims ruler with to be guided by the option A, Sama, B, Ulama, C, Sharia, and D, none of this. So, its answer is option number B, Ulama. Question number 17 Which of the following Mughal ruler expressed respect and devotion towards non Muslim religious leaders? Option A, Akbar, B, Aurangzeb, C, both A and B, and D, none of them. So, this answer is option number C, both A and B, both Aurangzeb and Akbar. Question number 18 Who were regarded as Shakas and Yavanas? ऑप्शन ए तुर्क्स, बी अफगान सी बोथ एंड बी एंडी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द शाह हमदन मस्क्यू इज लोकेटेड? ऑप्शन ए चिनाब बी झेलम सी सतल एंडी ऑफ़ देम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झेलम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द शाह हमदन मस्क्यू वॉज बिल्ट इन ऑप्शन ए थर्टीन नाइन्टी फाइव बी फोर्टीन नाइन्टी फाइव सी फिफ्टीन नाइन्टी फाइव डी सिक्सटीन नाइन्टी फाइव तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थर्टीन नाइन्टी फाइव अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्टी सॉरी ट्वेंटी वन तो ये पेज निकल चुका है हमारा तो हम इस पेज में आराम से देखेंगे अब ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर है हमारा द शाह हमदान मस्क्यू इज़ लोकेटेड इन ऑप्शन ए श्रीनगर बी गांधीनगर सी लाहौर एंड डी डल तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर क्वेश्चन नंबर हु वर रिगार्डेड एज अ परफेक्ट ह्यूमन बींग ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक बी प्रोफेट मोहम्मद सी मोहम्मद कासिम एंड डी सुल्तान महमूद तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेट मोहम्मद ही वॉज रिगार्डेड एज परफेक्ट ह्यूमन बींग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हुग देम वर सूफी टीचर्स ऑप्शन ए सैख मोइनुद्दीन सीजी बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सी शेख निज़ामुद्दीन औलिया डी ऑल ऑफ द एवब तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबब ये सारे क्या थे सूफी टीचर्स थे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग दरगाह इज़ पॉपुलरली नोन एज़ करीब नवाज ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह बी शेख निज़ामुद्दीन दरगाह सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन दरगाह एंड नन ऑफ देम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोनुद्दीस दरगाह क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हु वॉज़ द फर्स्ट सुल्तान टू विज़िट ख्वाजा मोनुद्दीन दरगाह ऑप्शन ए मोहम्मद कासिम बी मोहम्मद बिन तुगलक सी सुल्तान महमूद एंड डी नन ऑफ दैम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हाउ मैनी टाइम्स अकबर विजिटेड अजमेर जिसको हम बोलते हैं दरगाह ऑफ़ ख्वाजा मोनुद्दीन चिस्ती ऑप्शन ए ट्वेल्थ टाइम्स बी थर्टीन टाइम्स सी फोटीन टाइम्स एंड डी फिफ्टीन टाइम्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोर्टीन टाइम्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है हमारा हु कंपोज द प्रेम आख्यान पद्मावत ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जैसी बी आमिर खुसरो सी बाबा फरीद एंड डी रतन सेन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच ऑफ दिस वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर ऑप्शन ए लाहौर बी मुल्तान सी डली एंड डी फतेहपुर सिकरी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सिकरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन ऑप्शन ए फोर्टीन सिक्सटी नाइन बी फोर्टीन सेवनटी नाइन सी फोर्टीन एटी नाइन एंड डी फोर्टीन नाइनटी नाइन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोरटीन सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ दिस वॉज अ पार्ट ऑफ जिस्ती वर्शिप ऑप्शन ए डांस बी म्यूजिक सी क्वाली एंड डी ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कंपाइल्ड आदि ग्रंथ ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर बी गुरु अर्जन देव सी गुरु नानक देव एंड डी गुरु गोविंद सिंह तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इस्लामिक लॉ इज नोन एज ऑप्शन ए शारिया बी समा सी उलामा एंड डी नॉन ऑफ दिस तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए शारिया क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अलवर्ट्स एंड नैनार्स ए केरला बी कर्नाटका सी तमिलनाडु डी आंध्र प्रदेश तो इसका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर ये तो हमारा खत्म हो चुका है अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर तो थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर क्या है द नलाइरा दिव्या प्रबंधन ऑफ द अलवर्ट्स वॉज कंपेयर्ड विद ऑप्शन ए वेदास बी मनोस्मृति सी महाभारत एंड डी रामायण तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोर वेदास क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द नाइन्थ गुरु द गुरु ग्रंथ साहिब वॉज ऑप्शन ए बाबा गुरु नानक बी गुरु गोविंद सिंह सी गुरु तेग बहादुर एंड डी अर्जुन गुरु अर्जुन तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स खालसा पंथ वॉज फाउंडेड बाई ऑप्शन है गुरु नानक देव बी गुरु अर्जुन देव सी गुरु गोविंद सिंह एंड डी गुरु तेग बहादुर तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हु कंपोज द बीजक ऑप्शन ए दास बी सूरदास सी तुलसीदास एंड डी मीराबाई तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर कबीर ए कबीरदास क्वेश्चन नंबर थर्टी एट लैंग्वेज गुरु नानक देव जी के हिज सर्मन ऑप्शन ए हिंदी बी संस्कृत सी उर्दू एंड पंजाबी क्वेश्चन ऑप्शन बी रामानंद सी रामानुजा एंड डी शंकराचार्य तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद क्वेश्चन नंबर फोर्टी वेन खालसा पंथ वॉज स्टैब्लिश्ड ऑप्शन ए सिक्सटीन 1695, फाइव बी 1704, जीरो फोर सी सिक्सटीन नाइनटी एंड डी तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1699. अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारा मीरा बाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम ऑप्शन है मेरता बी चित्तौड़ सी मैं वर्ड एंड नन ऑफ देम तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेरे सो गाइज इस, so इस चैप्टर का हमारा एम सी उस हो चुका है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब